सारे पंजाब में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पीने का पानी है, जो मार्केट कर रही हैं, जो ऑथेंटिक कंपनीज हैं, जो ISI का सर्टिफिकेट जो मैंडेटरी है स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टू, उसमें बहुत ज़्यादा रूल्स प्रिंसिपल्स इतने स्ट्रांग हैं कि तुम्हें स्पेसिफिकेशन है कौन सा पानी कैसे यूज़ करना है, कौन सी पाइप्स यूज़ करनी है, कैसा प्लांट होना चाहिए, कैसे उसकी पैकेजिंग होनी चाहिए, जो उसमें प्लास्टिक यूज़ करते हैं वो कैसा होना चाहिए, उस पर लेबल है वो कैसा लगा होना चाहिए, नहीं तो सारा कुछ हम जहर मानते हैं। तो वो लोग तो उनका कारोबार तो चलना रही जो ऑथेंटिक हमें पानी दे रहे हैं, और ये लोग हैं जो आज तीन किए हैं हमने, श्री गंगा पैकेज वाली फास्ट पैकेजिंग और मिस्टर कूल मिनरल वाटर, तो इसमें कूल ड्रिंक्स भी बना रहे थे उसमें, और मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है पैकिंग का। सबसे बात सब कुछ छोड़ें, क्योंकि वो सिस्टम जो डिसाइड करना है वो ISI है, मार्क होता है, तो उनकी कंपनी की तरफ से आते हैं, वो चेक करते हैं, जो बंदे वहां पे काम करते हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस उनके पास होती हैं, ग्लव्स पहनने चाहिए, आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपने उस पानी को टच नहीं करना जो प्रॉपर फिल्टर होके आ रहा है और प्रॉपर उस मटीरियल में जा रहा है। तो कहीं भी वो ऐसा सिस्टम नहीं दिखा, और वर्स्ट पार्ट ये है कि लोगों को पता ही नहीं कि हमने ISI मार्क, पहले हमने लाइसेंस प्राप्त करना है उसके बाद हम काम करना है। मैंने पहली बार हिस्ट्री में देखा है कि आप काम कर लो, मैं कहूँ मैं सर्जरी कर लूँ, मैं डॉक्टरी बाद में करूंगी, ऐसे नहीं होता। आप पहले स्पेसिफिकेशंस लेते हो, उनसे समझते हो कि आपने पानी को कैसे मार्केट करना है, सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइसेंस आपका डिस्प्लेड होना चाहिए। और प्रॉब्लम ये है कि ये लोग तो ये हम शादियों में देखते हैं हर जगह, ये पानी क्यों पैकेज हो रहा है, क्योंकि ये घरों के लिए तो जा नहीं रहा, ये वहां जा रहा है जहां पे शादियां हैं या जहां पे मास फंक्शंस हो रहे हैं, तो उनमें तो ये बॉटल्स चेक भी नहीं हो रही। आज DHO साहब आए हैं अपनी टीम के साथ, तो ये सारे सैंपल्स भेजे जाएंगे, क्योंकि एज सच ही ISI मार्क ना होना और लैब यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं होनी, ये इटसेल्फ अगेंस्ट लॉ है जो अलाउड नहीं है। और अभी तो इनके यूनिट सारे सील होंगे, उसके बाद ये सैंपल्स टेस्ट होने जाएंगे, उसके बाद जो भी प्रोसीजर बनता है DHO की तरफ से कार्रवाई होगी। पर ये बात क्लियर हो जानी चाहिए पंजाब में कि कोई बंदा ISI मार्क के बिना पानी नहीं मार्केट कर सकता।